क्या करने वाले हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने वाले हैं। अभी देखो कोरोना वायरस फैला हुआ है, बोलते हैं कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो क्या कोरोना वायरस हमें आँखों से दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो इसको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। माइक्रो मतलब सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म बहुत छोटे, जो हम अपनी आँखों से भी नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे जीवों को कहा जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यानी हम ऐसे जिनको हम अपनी नेक डाई से नहीं देख पा रहे हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास रहते हैं, चारों तरफ रहते हैं, हमें दिखते नहीं हैं। ठीक है, ऐसी बात है। अब तो देखो ये एग्जांपल देने की बात ही नहीं है कि हम मैं एग्जांपल दूं कि ब्रेड है, ब्रेड ब्रेड को तुम रख दो, गीली ब्रेड रख दो, कुछ दिन रख दो तो तुम देखोगे कुछ दिन बाद वो सड़ने लगती है, खाना भी सड़ने लगता है, और तुम ब्रेड के ऊपर देखोगे कि सफ़ेद काले टाइप के धब्बे से नज़र आने लगते हैं, धब्बे से नज़र आने लगते हैं कि नहीं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही अटैक तो है। कहते हैं उस पर इसका अटैक हो गया, ईस्ट का अटैक। ठीक है, हुआ ना अटैक। तो अब समझो मेरी बात को, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो चीज़ हैं जो हम नेक डाई से नहीं देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। इसके लिए अगर मुझे देखना है ना ऑर्गेनिजम्स को देखना है तो मुझे स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्या कहते हैं इनको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स मतलब जीव होता है और माइक्रो मतलब रहता बहुत छोटे, है ना। तो अगर मुझे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे जीवों को देखना है तो माइक्रो से ही एक शब्द लो, माइक्रो यहाँ पर MICRO, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख पाऊँगा। किसकी मदद से देख पाऊँगा? माइक्रोस्कोप की मदद से मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाऊँगा। ये वायरस क्या रहता है, ये लिविंग सेल्स में ज़िंदा रहता है, इसको लिविंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो लिविंग सेल्स पर ज़िंदा रहता है, इसलिए क्या करता है ये वायरस, उन जैसे कोरोना वायरस, सही है। ठीक है, ज़िंदा रहता है ये, क्या करता है कि लिविंग बॉडीज़ में क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करना यानी एक से दो, दो से तीन, तीन से चार होना, इस तरीके से बढ़ते जाना होता है। यही तो कोरोना वायरस करता ना, यही तो चीज़ है, ये चीज़ होती है ऐसी। ठीक है, ऐसा है। अगर तुम बताओ कि जो वायरस से होने वाली जो डिसीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हम नॉर्मली आज तो हम इतने ज़्यादा नॉलेज वाले बन चुके हैं, खुद बता सकते हैं। जैसे कि क्या है कोरोना वायरस के लक्षण बोलें, जुकाम खांसी, तो इट मीन्स वायरस क्या है, जुकाम होगा, खांसी होगी, इन्फ्लुएंजा होगा, तो इनमें क्या ये वायरस के लक्षण है, वायरस इसमें ये हमेशा वायरस से ही होते हैं। ऐसा है कि आज से पहले जो खांसी जुकाम हो रहा था वो वायरस से नहीं, वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था, ऐसा नहीं है, नहीं आज तब भी वायरस से ही हो रहा था, ये वायरस से ही होते हैं। तो डिफरेंस क्या है, बस उसका इंटेंस रूप है, ये कोरोना वायरस उसका इंटेंस रूप है, मतलब थोड़ा सा घातक रूप है कह सकते हैं। ठीक है, बाकी वही सेम टू सेम लक्षण है, क्या वायरस की वजह से ही तब भी खांसी हो रही थी, वायरस की वजह से आज भी खांसी जुकाम बुखार होता है। ठीक है, ऐसा है। तो ये चीज़ आ गई तुम्हें समझ, आ गई ना। पोलियो ले लें, पोलियो, पोलियो भी वायरस की वजह से ही होता था ना, तो वो पोलियो भी एक वायरस की वजह से होता है। ठीक है, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, वो भी एक वायरस की वजह से होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स ज़रा लिख लो। देखो क्या हो रहा है कि अभी जब कोरोना वायरस जब अटैक कर रहा है तो क्या रहता है कि इंटेंस रूप खांसी जुकाम बुखार का हो जाता है, एक दिन दो दिन तीन दिन बुखार रहता है, हल्का हल्का सा बुखार रहता है। उसके बाद क्या करता है कि वो पाँच दिन हो गए, पाँच दिन तक लगातार बुखार आ रहा है, तो समझ जाते हैं कि वो कोरोना वायरस। हम क्या करते हैं कि जब तक पहले दिन से बुखार वगैरह आना शुरू होता है तो हम पैरासीटामोल लेना शुरू कर देते हैं, यही छोटी मोटी बातें करते हैं हम लोग पैरासीटामोल। अभी क्या पता चल रहा है कि स्टेरॉइड्स अगर हम लेते हैं ना तो स्टेरॉइड्स लेने से वो काफ़ी हद तक हम बच जाते हैं, और 85% केसेस क्या होते हैं, रिकवर हो जाते हैं, ऐसा है अभी। ठीक है, ठीक है, ये मतलब डरने वाली बात अगर है ना तो ये अच्छी वाली बात भी है कि 85% केसेस रिकवर हो जाते हैं, बस जागरूकता रहनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, ऐसा है। तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, तब क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये कोर्स का हिस्सा नहीं है बट मैं बताता हूँ क्योंकि इस टाइम की ये ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम उल्टे लेट के क्या कर सकते हैं, उल्टे लेट जाओ, पेट के बल लेट जाओ, और एक तकिया अपने सर के नीचे रख लो,
एक तकिया अपने पेट के नीचे रख लो और एक तकिया अपने पैर के नीचे रख लो, ऐसे लेट जाओ। सामने पंखा अगर टेबल फैन वगैरह कुछ है तुम्हारे घर में तो उसको चला लो, चला के तेज़ तेज़ सांसें लो अंदर की तरफ, इस तरीके से करके सांसें लो, तो उससे क्या रहेगा कि ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा तुम्हारा, बहुत प्रभावी है, बहुत इफेक्टिव है ये, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बताया। तो जरा मैं तुम्हें जो वायरस के बारे में लिखाना चाह रहा था ये सारा कुछ, देखो ध्यान से एक बात को कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो कुछ सिंगल सेल्ड जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स जैसे बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड और माइक्रो ऑर्गेनियम है वो है रहता है, कुछ अलगी और प्रोटोजोआ क्या रहते हैं जैसे कि जैसे अलगी और फंजाए हैं, ये मल्टी सेलुलर रहते हैं, ठीक है। अब सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ पहले भी कि सिंगल सेलुलर सिंगल सेल जो एक सिंगल सेल से बने हुए हैं वो सिंगल सेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से बने रहते हैं, इतनी बात आ गई तुम्हें समझ, ठीक है। टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं ये, किसी भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनके लिए चाहे कोल्ड एनवायरनमेंट ले लो चाहे एक्सट्रीम हॉट एनवायरनमेंट ले लो, ऐसा भी माना गया है कि सूरज है ना, सूरज उस जितने हॉट एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं, सोचो ऐसी बात भी, ऐसी रिसर्च भी सामने आई है, कितनी खतरनाक वाली बात है। अच्छा उस बात पर हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। अब क्या रहता है, ये रहते कहाँ, ये इन बॉडीज ऑफ एनिमल्स यानी इंसानों के शरीर में जानवरों के शरीर में रहते हैं, इतनी बात आगे समझ लो। माइक्रो ऑर्गेनिम्स दो तरीके के रहते हैं, एक रहते हैं यूजफुल और एक रहते हैं हार्मफुल, यही हम कह सकते हैं। यूजफुल मतलब जो हमारे फ़ायदे के हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं, और जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, जो हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कोरोना वायरस हमें नुकसान कर रहा है, फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा, समझ आई बात। तो ऐसा है, यूजफुल के लिए मैं बता दूं, यूजफुल कैसे होगा सर, फिर यूजफुल ऐसे होगा कि लैक्टोबैसिलस वो क्या करता है कि दूध को दही में बदल देता है, हमारे काम आ रहा है कि नहीं, ऐसा आ रहा है, तो ये है, समझ आया कि नहीं। इसी तरीके से केक वगैरह बनाते हैं तो उसमें यीस्ट का यूज़ करते हैं, तो हमारे काम आ रहा नहीं, लैक्टोबैसिलस भी हमारे काम आया कि नहीं। लैक्टोबैसिलस ने क्या किया, मिल्क को कर्ड में बदल दिया, कर्ड में CURD कर्ड हो गया ना ये कर्ड। अब हार्मफुल की बात कर लेते हैं, हार्मफुल क्या है, हार्मफुल यानी खतरनाक है हमारे लिए, जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे बीमारियां लग रही हैं हमें, उन्हें कहते हैं हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। जो हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें कहते हैं पैथोजेंस। क्या कहते हैं, पैथोजेंस, जो हमें बीमार कर सकते हैं उन्हें पैथोजेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें, पैथोजेंस, ठीक है। आगे फिर से हम कवर करेंगे इस क्लास को। दैट्स ऑल फॉर टुडे।